हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टैंडर्ड 6 में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 पूछो तो जाने इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रकार है पहेलियाँ। आप सबने पहले बहुत सारी पहेलियाँ सुलझाई होगी। किसके साथ? दोस्तों के साथ, फिर दादाजी, मम्मी जी, पापा जी, आपके छोटे बड़े भाइयों और बहनों के साथ, है ना? बहुत सारी पहेलियाँ सुलझाई होगी। आज हम हमारे इस पाठ में भी ऐसी पहेलियाँ को सुलझाएंगे। तो सबसे पहले, क्यों हमारे पाठ में ऐसी पहेलियाँ दी गई है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, पता है आपको? तो इसलिए ये पहेलियाँ दी गई हैं क्योंकि पहेलियाँ से क्या होता है, हमारी विचार शक्ति का विकास होता है। अगर आपको कोई पहेली दे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको ढूंढने के लिए सोचोगे, है ना? अपना दिमाग पर जोर लगाओगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बुद्धि शक्ति का विकास होगा, ओके? साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। इसलिए हमारे इस पाठ में ऐसी पहेलियाँ दी गई है। आज मैं आपको दो पहेलियाँ मेरी तरफ से दूंगी, उसका आंसर आपको ढूंढ के रखना है और हमारे डाउट सेशन में उसका आंसर देना है, ओके? तो पहली पहेली आप ध्यान से सुनना। फल हूँ मैं, फूल भी हूँ। क्या हूँ? फल भी हूँ, फूल भी हूँ, साथ में एक मिठाई भी हूँ। फल हूँ, फूल हूँ और साथ में एक मिठाई भी हूँ, तो बोलो कौन हूँ मैं भाई? आंसर ढूंढ के रखना हाँ। फिर दूसरी, गोल हूँ पर गेंद नहीं। मेरा आकार कैसा है? गोल है पर मैं गेंद नहीं। पूंछ है पर पशु नहीं। मेरी पूंछ भी है पर मैं पशु नहीं हूँ। फिर पूंछ पकड़ कर खेले बच्चे। मेरी पूंछ पकड़ कर बच्चे खेलते हैं। फिर भी मेरी आंखों में से आंसू ना निकले, फिर भी मैं रोता नहीं हूँ, बोलो मैं कौन हूँ? गोल हूँ पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं। पूंछ पकड़ कर खेले बच्चे, बोलो फिर सॉरी और फिर भी आंखों में से आंसू ना निकले, बोलो कौन हूँ मैं? इसका आंसर भी आप ढूंढ के रखना, ओके? अब हम हमारे इस पाठ की जो पहेलियाँ हैं उसको सुलझाएंगे, ओके? चलो हमारी टेक्स्ट बुक में जो पहेलियाँ हैं उसको देखते हैं। पाठ 7, बुझो तो जाने। बूझो यानी समझो, समझोगे तो उसका आंसर आप टूट पाओगे, आप समझ जाओगे, ओके? तो आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप सबको भी पहेलियाँ पसंद होगी, है ना? यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। तो पहेलियाँ से क्या होता है, हमारी विचार करने की जो शक्ति होती है उसका विकास होता है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। यानी पहेलियाँ किसे कहते हैं कि कोई प्रश्न आपको देता है और उसका उत्तर आपको ढूंढना होता है, वो समस्या के रूप में भी हो सकती है। उन्हें समझना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि करती है। तो इसलिए हमारे पाठ में भी कुछ पहेलियाँ दी गई है जिसको हमें उलझाना है, समझना है, ओके? पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। पहेलियाँ हैं, कुछ चित्र है, पहेलियों को उस अब हमें सही उत्तर के साथ, सही चित्र के साथ जोड़ना है। पहली, फल देखकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। फूल फली झड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। क्या कहा गया है? फल देकर सफल हुए हैं, जो है वो हमें क्या देता है, फल देता है।
फिर हरियाली फैलाते हैं, ओके, तो सबको फल देता है, फल देकर सबका जीवन तो सफल बनाता ही है और साथ में वह हरियाली भी फैलाता है। फिर फूल फली झड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाता है, साथ में वह सबको फल के साथ फूल, फिर फली, फली यानी फली किसे कहते हैं, फली यानी कि जो फल है, फिर कलियां होती है, फिर जड़, जड़ यानी मूल, छाल और बीज, ये सब हमको देता है और इससे हमारा जीवन क्या बनता है, सुखी बनता है क्योंकि वह बहुत उपयोगी है हमारे लिए। तो बोलो ये क्या चीज़ है, तो ये है वृक्ष या फिर आप उसे पेड़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसका चित्र दिया गया है। अब दूसरा, पत्थर का वन ऊंचा है मन उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के है रखवाले, ओके, यानी क्या कहा गया है कि पत्थर का वन ऊंचा है मन, उसका मन कैसा है, पत्थर यानी उसका शरीर पत्थर से बना हुआ है, फिर उगते पेड़ घने सारे, वो बहुत ऊंचाई पर है, पत्थर का बना हुआ है और उस पर बहुत सारे पेड़ उगते हैं, ओके, नदियों झरनों के उद्गम हम, वहाँ से नदियाँ और झरने का उद्गम होता है, जन्म स्थान है उनका, भूतल के हैं रखवाले और वह भूतल यानी धरती की रक्षा करने वाला, रखवाला यानी रक्षा करने वाला है। तो पत्थर का है, बहुत ऊंचा है, फिर वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, नदियों और जन्नों का वह जन्म स्थान है और साथ में वह इस धरती की रक्षा भी करता है, तो ये कौन, तो आंसर आएगा पर्वत, यहाँ पे पहले ही उसका चित्र दिया गया है। अब तीसरा, स्वयं न पीती प्यासी रहती देती जग भर को पानी, खेत खी सींचती नाव चलाती बहती हूँ मैं मनमानी, ओके, स्वयं न पीती प्यासी रहती, वो कहती है कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती और मैं खुद प्यासी रहकर, ओके, प्यासी रहती देती जग भर को पानी, मैं खुद तो प्यासी रहती हूँ, अपना पानी मैं खुद नहीं पीती लेकिन संसार को मैं पानी देती हूँ, ओके, देती जग भर को पानी, मैं सारे संसार को पानी देती हूँ, फिर खेत सींचती नाव चलाती बहती हूँ मैं मनमानी, क्या कहती है कि मेरे जो पानी है उससे क्या होता है, खेत की सिंचाई होती है, तो खेत सींचती नाव चलाती, मेरे पानी में क्या होती है, नावें चलती है तो मैं नाव को भी चलाती हूँ, बहती हूँ मैं मनमानी, अपनी मन के माने अपने ढंग से मैं बहती रहती हूँ। तो बोलो मैं कौन, क्या फिर से कहती हूँ, स्वयं न पीती प्यासी रहती मैं खुद अपना पानी नहीं पीती, खुद प्यासी रहती हूँ लेकिन संसार भर को अपना पानी देती हूँ, फिर मेरे पानी से क्या होता है, खेत की सिंचाई होती है और नाव भी मैं चलाती हूँ और साथ में क्या है, मैं अपनी मर्जी से अपने ढंग से मैं बहती रहती हूँ। तो बोलो मैं कौन, आंसर है नदी, यहाँ पे नदी का भी चित्र दिया गया है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नदी। अब नेक्स्ट, तन है मेरा हरा भरा रस्से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल, मेरा तन हरे रंग का है, तन से है मेरा हरा भरा, मेरा तन यानी मेरा शरीर कैसा है, हरा भरा है, रस्से रहता सदा भरा और मेरे शरीर में रस ही बहुत सारा रहता है, मैं रस से भरा हुआ रहता हूँ, भीतर से मैं हूँ लाल, अंदर से मेरा कलर कैसा है, रंग कैसा है, लाल है, प्यास बुझाकर पूछूं हाल और जो भी मुझे खाता है, जो भी मुझे लेता है उसका प्यास मैं बुझाता हूँ। तो बोलो मैं कौन,
ओके फिर से, तन है मेरा हरा भरा, मेरा तन हरी, मेरा शरीर हरे रंग का है, रस से भर रहता सदा भरा, अंदर से मैं लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा रहता हूँ, है ना, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल, और मैं लोगों की प्यास बुझाता हूँ और साथ में फिर मैं उसका हाल चाल भी पूछता हूँ, तो बोलो मैं कौन, तो मैं हूँ तरबूज। उसे क्या कहते हैं, तरबूज, यहाँ पे उसका चित्र दिया गया है। ओके नेक्स्ट, हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, पांच पांच सेवक है साथ, लेकिन करते कभी न बात। हम दोनों हैं पक्के मित्र, हम दोनों पक्के मित्र हैं, करते रहते काम विचित्र, हम बहुत विचित्र यानी अनोखे काम करते रहते हैं, पांच पांच सेवक है साथ, और हमारे साथ पांच पांच सेवक है, हमारे नौकर कितने हैं, पांच है, लेकिन करते कभी न बात, लेकिन वो आपस में कभी बात नहीं करते, तो बोलो मैं कौन, तो मैं दो हाथ मेरे। ओके यहाँ पे उसका चित्र दिया गया है कि मेरे पास मेरे दो हाथ है, वो पक्के मित्र है, साथ में काम करते हैं, लेकिन कैसे अनोखे काम करते हैं, ये पांच अंगुलियाँ हैं, वो हमारा हमारी सेवक है, और फिर भी वो एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। नेक्स्ट, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। ये तो सबको आता होगा, है ना, मैं कभी पतला रह होता हूँ, कभी मैं बड़ा हो जाता हूँ, मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार कैसा हो जाता है, गोल आकार का, गेंद आकार जैसा गोल हो जाता है, फिर मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे क्या कहते हैं, मामा, तो किसे कहते हैं, चंदा मामा, है ना, तो चंदा मामा क्या कहते हैं, मैं कभी पतला हो जाता हूँ, कभी बड़ा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा गोल हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं, तो कौन, चंदा मामा, यहाँ पे उसका चित्र दिया गया है। और लास्ट, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक ना करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो क्या कहा है कि बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सैर गगन की करती हूँ मैं, सैर यानी कि घूमना, तो मैं आकाश में गगन में यानी आकाश में घूमती रहती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, मेरे में आलस ही नहीं है, हाँ मैं बिल्कुल आलस नहीं रखती अपने पर, और हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, और हमेशा मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ, मैं कहीं एक जगह पर टिकी नहीं रहती, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और आकाश में घूमती रहती हूँ, ओके, और आलस तो मेरे में है ही नहीं, मैं हरदम कुछ न कुछ करती रहती हूँ, तो बोलो तनिक यानी जरा थोड़ी भी आलस मेरे में नहीं है, मैं हमेशा घूमती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो बोलो मैं कौन, तो उसका आंसर है गौरैया, क्या, गौरैया, ओके, यानी चिड़िया, गौरैया, ओके। तो ये है हमारे इस पाठ की पहेलियाँ, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ओके। फिर मैंने पहले जो दो पहेलियाँ आपको ढूंढने को दी है, उसका आंसर हम मुझे कहाँ पे, हमारे डाउट सेशन में चाहिए, ओके, आप तब तक ढूंढ लेना, फिर मिलेंगे, थैंक यू।